हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी न्यू एंट्री मैं लेकर आया हूँ। आज बार का दिन है, आज मार्केट से खरीद के लेकर आया हूँ न्यू एंट्री, तो वो दिखाऊंगा मैं आपको। ये देख रहे हैं, यारा देख रहे लाल वाला, इसको खोल के दिखाता हूँ मैं। एक मिनट रुके, मैं वाले साहब से बात सुन लूँ। चले, वाले साहब से बात हो गई, मैं आपको इस ये दिखाता हूँ। तो तैयार है, एक मिनट। मेरा पसंदीदा कबूतर होते हैं। इससे पहले एक काला जोगिया पकड़ा था, सी गुड़िया को शेयर करी थी, एक लाल जोगिया भी खरीदा है मैंने। हाथ में भी नहीं आ रहा माशाल्लाह, फिर इतना चिकना है। ये मैंने बता पहला लाल जो किया देख सकते हैं। एक मिनट रुक गया, इसकी थोड़ा बहुत बिला कैमरे का वो सही करूँ मैं। अब सही आ रहा था, ये देख सकते हैं ऊपर से। मैडम अब आपसे स्टार्ट करता हूँ, दूसरी फुटेज में आ गई है। एक मिनट सफ़र करता हूँ, सर पेटी में बंद करूँ मैं। चलिए, सीधी कर दी मैंने खुद ही। ये देख सकते हैं आप लाल जोगिया, अगर गंडे बन जाएंगे इसके मज़ेदार हो जाएगा। गंडेदार लाल जोगिया गंडेदार बन जाएगा। ये मेरे पसंदीदा कबूतर होते हैं, ऐसे जो होते हैं ना मैं पसंद करता हूँ बहुत। जब मैं शौकीन हूँ इन जैसों का, ये मैं इनके अंदर एक जोड़ों का सेटअप है, उधर जाके दिखाऊंगा ना, बाड़े में जाऊंगा ना दोस्त के, तो उधर उधर मैंने डाला था कंडेदारों का जोड़ा एक, तो उससे उठाने लगे कबूतर, तो उनके लिए मैं ये लेकर आया था। ये डालेंगे उसके साथ, उसके बच्चे उठा लेंगे कंडेदार के, काले से हैं वो। और इसका शौक करें, ये मैंने खरीदी है आज मार्केट से 800 रुपये की लिए, देख सकते हैं आप तो है बहुत, घूमते फिरते अच्छी लग रही है। सेकंड तो दूसरा कबूतर अभी वीडियो में, तो दूसरा कबूतर है, वैसे तीसरा कबूतर खरीदा अभी तक मैंने, एक शरारती खरीदा था क्योंकि वो चूहा मार गया है। एक ये है, अरे मैदू में मैदू बीमार हो गई है अभी तो फिलहाल, लेकिन इसको देख सकते हैं आप। ये रहा मशीन लग रहा है अब इसके, मैं अभी अभी गंडे खींच देता हूँ मैं, गंडेदार बन जाएगा ये। वो भी खींचने का तरीका बताऊँगा, गंडे किस तरीके से खींचे जाते हैं। अलग लेकिन इतना तेज़ है, हाथ नहीं आ रहा माशाल्लाह से। सूरती तो अपनी जगह है, बाकी तो कबूतर वही हैं सारे। एक दिन चीन ने बड़ा नुकसान किया, देखें शिकंजा बन रहा है। अंदर कैसे जाएगा ये अंदर? क्या शिकंजा बना रहे हैं चूहे का? ये चले, मैं तो घर पर आके आपको फिर फुटेज दिखाता हूँ मैं दूसरे घर तो में जाके, तो अच्छा वो भी करवाऊँगा और इसके गड्ढे वंडे खींचूँ मैं।
और इसको अभी दवा ववा देता हूँ मैं, एक लौंग देनी है तो भी देखते हैं। अभी दाना तो फूल कर दिया प्रॉब्लम है, इससे भी देना उन्होंने मारा हुआ था भूखा इसको, एक देख सकते हैं पर खुला हुआ तो लाल में होता ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये वैसे ही नहीं है। जाइए मेरा कमरा, लाइट गई हुई है अभी तो, इधर बैठाया मैंने इसको। वीडियो पॉज करता हूँ मैं, फिर अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ ठीक है। चले मैंने वापसी भी फुटेज ऑन कर दिया, ये लॉन्ग लेकर आया हूँ मैं। अब ये लॉन्ग है, ये इसके मुंह में डालूँगा मैं, इसको खिलाना है ये लॉन्ग। ये देख, ये देख सकते हैं इसको, लॉन्ग एयर मुंह में खोलने हैं, खोल के लॉन्ग एयर से पूरी अंदर स्टार्ट है। वैसे तो भी लाया हूँ, लॉन्ग दे रहा हूँ भाई, ये लॉन्ग का पानी भी देने चाहिए कबूतरों को ठंड में खास तौर पर। खाली अंदर ये मादी कबू, मादी है, इसके लिए नर भी लेंगे। दो लॉन्गे मैं दे देता हूँ उसको भी, दो लॉन्गे उसको देनी है मैं तुमको, जो पिछली दफा ली थी ना उसको भी देंगे दो लॉन्गे। कैसे होगा कि नजला मजला नहीं होगा, ठंड वंड नहीं लगेगी इसको भी, ठंडे ये होते हैं ठंडेदार, ठंडे इसको कहा जाता है। पर वालों जैसे पर ये जो पर उड़ने वाले हैं, इसके बाद जो पहली कलियाँ आती हैं ना इसको गंडे, इसको इनको कहा जाता है गंडे। हम पहले मैं इन इसको एक एक करके खींच लेंगे ऐसे करके दो पर, ठीक है। ये दो पर खींचे मैंने इस तरीके से, पूरी लाइन खींच लेंगे करोगी तो गंडे बनेंगे ऐसे कश पर। ये देखें कि नीचे की कली सफ़ेद है, ऊपर की ब्राउन है, नीचे की सफ़ेद आ रही है, तो इसको बोलते हैं गंडेदार। तो 102 में खेज होगी, एक में आ गया तो सही है, वरना तो एक और खेज बता रहे हैं इनसे गंडे। माशाल्लाह से खूबसूरत कबूतर है, ठीक है। इसी तरह दूसरी तरफ की भी खींच लेंगे, ठीक है। इस तरफ के भी खींच लेंगे, इस तरफ के तो वैसे ही बने हुए, थोड़े बहुत नहीं बने हुए वो खींच लेंगे हम। लाइट नहीं है वरना तो वो जावर फोकस लाइट लगवा दे, लगा के मैं दिखाता। सूरज है तो सूरज की लाइट से ही देखूंगी, दिखाता हूँ मैं आपको। पर हमेशा सीधा खींचा करें, ऊपर का खींचे नीचे का खींचे, खींचे सीधा बिल्कुल। देख सकते हैं ठीक है, तुम के पर भी ख़राब है लेकिन तुम के बेहतर हैं।
खींच रहा हूँ जो ख़राब है ना तुम के पर वो खींचे हैं, वो सारे ही ख़राब है, लेकिन वो जो ज़्यादा ख़राब है ना वो खींचती हैं पर मैंने, पर अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि तुम अच्छी नहीं लगेगी इसकी खाली खाली। तुम नीचे से भी देख सकते हैं फुल ब्राउन है और गर्दन सफ़ेद, आँख भी देख सकते हैं लाल नारंगी आँख का है। इसको ऊपर छोड़ के भी दिखाता हूँ मैं आपको, अब इसको छोड़ के दिखाऊंगा मैं, ठीक है। सकते हैं घूमता हुआ कितना अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है घूमते हुए, अब देख फिर मैं तुमको भी दबा दूंगा मैं। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। अल्लाह हाफिज़।